ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। मान ने इत्थे ही बस नहीं की थी। उन्हें कहा कि कांग्रेस सरकार दे मंत्री अते अहुदेदार अज दिल्ली बैठे ने। दिल्ली ओ किसानी संघर्ष लई नहीं सगो अपनी कुर्सी बचाउन लई या कुर्सी बदलन लई उन्हां नूं खुशी हुंदी जेकर पंजाब दे मंत्री किसानी मुद्दे ते या चल रही भयानक महामारी कोरोना नूं लैके सेंटर सरकार नाल गलबात करदे या सरकार ते इह मुद्दे हल कराउण लई दबाव पाउंदे पर अजिहा नहीं कीता क्योंकि पंजाब दे मंत्रियां ते अहुदेदारां नूं तां अपनियां कुर्सियां बचाउण या बदलन दी फिकर लगी हुई है। होर भी की कहा भगवंत मान ने ओह वी तुहानूं सुणाउने आ। 4 हफ्ते च नशे दा लक भुन्नण वाला वादा कैप्टन साहब दे मूंह उत्ते माइनिंग खत्म कर दांगे, बिजली सस्ती दरां ते इंडस्ट्री नूं वी कमिटमेंट कीती गई। एग्जैक्टली जो दसा तो 26 नंबर पेज से तुम कर सकते हो, बड़ा वाला वादा किया गया 26 नंबर पेज से कि 5 रुपये यूनिट इंडस्ट्री को बत्ती दिती जाएगी, जबकि 5 रुपये यूनिट की थान से बत्ती के रेट होर बढ़ाते गए। इस तरीके की बेहिसाब नाकामिया कि सिर्फ वादे करके तो भज जाना लोन उत्तर की थान तो मुझे लगता कैप्टन साहब को सिर्फ दो चीज़ा याद रह गई, एक चीकू तो एक सीता फल, उस अलावा होर कुछ याद नहीं रह गया अज की डेट। अज हिसाब मंगन का टाइम आ गया। मुझे लगता पंजाब के हर बंदे एक बार मैनीफेस्टो लैके पंजाब के कांग्रेस के लीडर मुख्यमंत्री पूछना चाहिए कि इस मैनीफेस्टो पर भरोसा करके असी तुम्हें वोट दी, चंगी मेजोरिटी थोड़ी सरकार बनवाई तो हालात की ने अच्छ पंजाब के। अज भी जो काम अकालिया की सरकार वेले भावें माइनिंग का कह लो भावें नशे का कह लो, तो मैं तो सब तो वही गल कहना कि जो बंदे बेअदबी कांड जो बंदे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों नाल रल के उन्होंने सज़ा नहीं दवा सकते, उन्होंने तो होर कोई आस भी नहीं की जा सकती। इस मामले पर कहने बहुत कुछ है तो साढ़े आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी पहले डिटेल भी तुम्हें सारी गल्ला दसणगे, उस तो बाद सवाल जवाब करांगे। भगवंत मान जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जरनैल सिंह जी, साड़ी सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और चंडीगढ़ की प्रेस तुहाडे राही बहुत तो पंजाब के मसले जिहड़े ने वो असीं जनतक करते रहने, धन्यवाद करते हैं जी तुहाडा। जिस तरह जरनैल सिंह जी ने कहा ये जिहड़ी सरकार है 4.5 साल जिहड़ी चाहुंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार का नारा दे के आई सी, तो इन्हें अज पछताउंदा है पंजाब लिया के कैप्टन की सरकार दे नारे च बदलता। जिस वेले आपां गल कर रहे हैं तो सारे सीनियर जर्नलिस्ट हो, तुसीं हर रोज पंजाब की राजनीति की कली कली गल नूं कवर करदे हो, भरोसेयोग सूत्रां दी भी खबरां तुहाडे जरिए लगदियां ने कि आह हो सकदा आह चल रहा है। इस वक्त जिस वेले आपां गल कर रहे हैं पंजाब सरकार कित्थे है जी, सारी पंजाब सरकार दिल्ली बैठी है, अपने हाई कमांड के बुलावे पे उन्होंने दिल्ली बैठे ने। मैनूं बड़ी खुशी होंगी जे पंजाब सरकार दिल्ली जांदी किसानां दे मसलियां दा हल कराउण वास्ते। 6 महीनों तो किसान जिहड़े ने वह बैठे ने, अज 45 तो 48 डिग्री टैंपरेचर च बैठे ने, तो जो गए सी नवंबर दसंबर जनवरी उन्होंने 5 डिग्री टैंपरेचर भी उत्थे झल्लिया ठंड। मैं बड़ी खुशी होंगी जे यही कैबिनेट मंत्री तो यही विधायक जिहड़े ने यही प्रधान कांग्रेस के राजीव राहुल गांधी को सोनिया गांधी जी को जाते कि आप मोदी जी तो टाइम लैके किसानों का मसला हल कराइए, पर नहीं, वो दिल्ली गए सिर्फ अपनियां कुर्सियां बचाउण वास्ते जां नवीं कुर्सियां डाउण वास्ते। मैनूं आ दे दिओ, मैनूं आ दे दिओ, मैथों आ लैके वह दे दिओ, मेरे नाल इन्ने बंदे ने, मेरे नाल इन्ने बंदे। मैनूं बड़ी खुशी हुंदी जे पंजाब सरकार अज दिल्ली जांदी कोरोना की जिहड़ी महामारी है उहदे वास्ते वैक्सीनेशन का प्रबंध करन वास्ते, उहदे वास्ते
ICU ਦੇ ਬੈੱਡ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੂਗਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਟੀਕੇ ਲੋਕ, ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ, 8 ਮੰਤਰੀ, 25 ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ। ਖਬਰ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵਰਜਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਉਹ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, 3 ਬਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲੈਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ। ਇਹ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ 1.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਤੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ, 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਨੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਧਰੋਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ, ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੈਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ
कुट रहे ने, ठीक है जी, तो कोई किसी का कंट्रोल है नहीं। ब्लैक फंगस भी पहुँच गया पर कोई किसी का किसी की दवाई है नहीं। लोग सरकारी हस्पतालों जाने डरते ने, तो प्राइवेट हस्पताल जोड़े ने वो लोगों की पहुँच तो बाहर ने। जे जाता भी है कोई तो किले दो किले भी बिकन लग गए। साढ़े को रिपोर्टा ने 25-25 लख के 30-30 लख के बिल जोड़े ने वो बन लग गए मरीजों के करोना के, कितों लिया लोग। सो जो कलैप्स कर गया सारा ढांचा, और समार्टफोन जा पांच मरलों के प्लाट घर पा के जा 2500 रुपये पेनशन, ये तो हूँ दूर की गल हो गई जी। ये बारे तो हूँ सोचो ना। सब तो बड़ी गल जड़ा बैबल कलां जड़ा गोलीकांड ते बेअदबी कांड, उहदे विच जड़ा फैसला दवाउण दी सौं खाधी सी उह वी 4.5 साल बाद जिहड़ी सौं है वह दूजे पासे चली गई, वह भी झूठी साबित हो गई। तो जिन्हां ने बेअदबियां कराइयां, जिन्हां दा पिछे हत्थ हुक्म देण दे गोली चलाउण च, वह भंगड़े पाउंदे फिरदे है क्योंकि उहनूं पहले ही पता सी कि साडा कुछ कर तां सकदे नहीं। असी अपने हिसाब नाल वकील अपने हिसाब नाल जज असी निश्चित करांगे। सो किसी भी फ्रंट पर जिहड़ी पंजाब दी सरकार है वह लोगों की नज़रों पास नहीं हुई। ये मैं लोगों की नज़रों कहना, ये ना समझो कि विरोधी धिर होने के नाते साडा काम नुक्स कढ़ना ही है। नहीं, जे कोई चंगा काम करनगे असी ताड़ी भी मारांगे, पर करो तो सही ना चंगा काम। कोई हुण कैप्टन साहब ने कहता कि लेडीज़ नूं औरतों नूं रोडवेज दीआं बसां च मुफ्त सफ़र है, तो फिर मुफ्त सफ़र सिर्फ नॉन एसी बसा च है, एसी बसा च नहीं मुफ्त। तो उत्तों सुखबीर बादल कह रहे जो असी आ गए अभी सारिया बसा च फ्री करा। तो सुखबीर बादल जी ने मैं कहना चाहना, 1000 बस तो थोड़ी चलती है, हूँ उस तो नहीं किसी सरकार को पूछने की लड़ उस कर दो फ्री ट्रायल करके देख लीए आप। ना ना ना, जो सरकार सी बादल साहब की कित कोई हड़ताल होंगी सी तो सब तो पहला इन्हों ज बसा इन दी बॉलबो बसा बड़े बड़े शीशे वाली वह पहला थाने खड़दियां सी कि इन्हां दी सिक्योरिटी जरूरी है, लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं। अद्धी पुलिस बसा पर लगती सी कि बसा संभाल लो, लोगों का की है कि साडी बस नूं अग ना ला देना। रैलियां ते लैके जाण वास्ते रोडवे दीआं बसां वरतीआं जांदीआं सी, ते इन्हां दीआं बसां नूं उस दिन टुकणा फायदा हुंदा सी क्योंकि सरकारी बसां तां रैलियां ते बंदे ढोण नूं ला लैंदे सी। सो इह की बोलण नूं मरदे ने। ते सुखबीर बादल कह रहा कि सेहत सेवावां पंजाब दे विच फेल हो गईआं, इह 4 साल तो फेल हो गईआं, उदों पहलां 10 साल तुसीं सी। बड़े हुब के कहिंदे 5 वार मुख्यमंत्री रहे ने, बाल साहब ते की कीता, इक हस्पताल नहीं बना सके। तुसी आपदे परिवारों के मैंबरों के इलाज बाहरले मुल्क करा के हाँ, तो जो खुद तुसी सीगे बीमार हो गए सीगे तो तुसी मैदानता च गए हो। सो इस करके कहिंदे कुछ होर ने, करदे कुछ होर ने, यह आपस के रले हुए ने। गल असीं पहलां तो कह रहे हैं पर जे ये आपस च रले ने कोई गल नहीं, 2022 पंजाब के लोग आपस च रल जाएंगे तो इन्हां दा सफाया करेंगे। कोई तुहाडा सवाल होवे तो बाद असीं एक दो ज्वाइनिंग्स ने वो तुहानूं दस्सांगे, जे कोई सवाल है तुहाडा मैं जवाब दे। सर यह मैनीफेस्टो तो फेल हो चुका ना, इन्हें सारे लोगों को पता। कैप्टन साहब ने खुद बह बह के कॉफी विद कैप्टन चाह अज भी वीडियो चल रही है, इस मैनीफेस्टो की तो वीडियो भी अवेलेबल ने कि सारा कर्जा मैं दूंगा किसानों का, चाहे बैंकों का चाहे आढ़तियों का, यह तो वीडियो एविडेंस ने। सो यह तो लोग हूँ ऑलमोस्ट एक तो लोग हूँ कह लग गए भी ये तो नहीं कितों पूरे कर देंगे, 4 महीने है इन्हों की आपसी लड़ाई 4 महीने च नहीं खत्म होनी। सो पंजाब सरकार की यह टर्म जी खत्म हो चुकी है। देखो सरकार सेंटर सरकार की कर रही है, सेंटर सरकार ये कह रही है कि साडा तो कंट्रोल ही है नहीं। फिर सेंटर सरकार का कंट्रोल किते है, राज्यों तो सारे अधिकार खोले, स्टेटा तो सारे अधिकार खो के वैक्सीन के अधिकार देते राज्यों नूं, कहिंदे आपदे आपदी तुसीं खरीद लो अमरीका तो रशिया तो। स्टेटा किवें खरीदणगियां जी रशिया तो? दिल्ली ने भी स्पूतनिक वास्ते ट्राई किया, उत्थे
रशिया, तो वह कहेंगे जी असी तुहाडे कंट्री नूं दे सकते हैं, असी किसी स्टेट नूं नहीं दे सकते। तो फिर इदां किवें जिहड़ियां स्टेटां ने वह आपदे भार ते छड़तियां, बिल्कुल उदां ही डीजल ते पेट्रोल है, 100 तो उपर चला गया पेट्रोल, हर रोज़ 15-20 पैसे बढ़ जाता है। किसी की है ये हिम्मत के कह सके यही यही बीजेपी सरकार है जिहड़ी कहिंदी सी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो हुण नॉट ओनली पेट्रोल, सरों का तेल का देख लो की हाल है, नॉट ओनली सरों का तेल, सिलेंडर का देख लो की हाल है। सो ये फिरका प्रस्ती ते नफरत की राजनीति दे विच लगे रहे ते देश का आर्थिक ढांचा जिहड़ा वो बिल्कुल उद्योगपतियों के हाथ चला गया। देखो इस पहले ये गल निबट जानी चाहिए सी, देश का अन्नदाता है वो 6 महीनों तो बजुर्गों समेत मावा भैणा समेत बच्चों समेत उत्थे बैठा, हुण तां इन्हां नूं पता लग गया होना ना बीजेपी के मंत्रियों कि वो पिकनिक मनाउण नहीं गए, उत्थे 400 के लगभग तो उत्थे मौतें हो चुकी ने, एक कोई 45 डिग्री 50 डिग्री टैंपरेचर च पिकनिक मनाउंदा हुंदा, उन्हां दीआं मंगां मान लैणियां चाहीदियां ने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने, मैं भी लैटर लिखा कि देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, इस करके वो बैठे ने तो उन्होंने गल करो, वो कोरोना की एक महामारी दौरान अपनी जान खतरे च पा के बैठे ने। तो मैं तो कहना कि इस तों पहले ये गल खत्म हो जानी चाहिए सी, मोदी जी तो अमित शाह नूं इनिशिएटिव लेना चाहिए, होर किसी नूं तो काम कर नहीं देंगे। देखो जी एक पास जो मुख्यमंत्री हरियाणा ज इन्हों के मंत्री जोड़े केंद्र जो कहते हैं कि कोरोना फैलने के सब तो बड़ा अंदोलन है, तो दूसरे पास कहने सैनिटाइजर थोड़े पिंड देवे मास्क देवे, तो लोगों का जो गुस्सा है वह तो निकल ही रहा, जिते भी गए थे वह लोगों ने उन्होंने विरोध किया इस गल का भी, हालांकि ये कोई पोलीटिकल एक्टिविटी नहीं हैगी, पर कहते नहीं जो तुम बीजेपी वालों आए हो तो असं तुम थोड़े तो यह लैने नहीं, इतों तुम समझ सकते हो कि लोग इन्हों प्रति कि नफरत करना। देखो पंजाब दे विच कदे भी जातिवाद के आधार पर कोई बंदा कदे फिरकू अपने कोई वोटा नहीं लड़ेगी, बीजेपी हमेशा यही काम करती है, इन्ने जाट ने इन्ने इन्ने हिंदू ने इन्हू पोलराइज कर दो, इन्हू पोलराइज कर लो, इन्ने SC ने BC ने। देखो पंजाब जिहड़ा वो भाईचारक सांझ का एक प्रतीक है पूरे मुल्क च पूरे देश च, ठीक है ना। सो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब की सैकूलर पार्टी है, असी किसी धर्म या जात के आधार पर नहीं काम करते, असी पंजाब नू वह है जो मुख्यमंत्री देवे जो पंजाब के सारे वर्गों की गल करे, सारे वर्गों के भले बारे सोचे, ना कि यह कि मैनू बना दो जी, उन्होंने बना दो जी, इनू बना दो जी, ये तो जो मर्जी कही जाने, तो कह ये तो अकाली दल तो यह भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री असी साडा जिहड़ा होगा वो अगला अकाली दल का होगा, जो होने ही नहीं है जी, एक मैं आप नहीं कह सकता, यह मैं आप नहीं कह सकता, असी करना मेहनत, असी किसी अहदे की दौड़ च नहीं है, असी किसी कुर्सी की दौड़ च नहीं है कांग्रसियों वांगू कि हूँ मैं खिचूंगा एक पापा उन्हें फड़ लिया उन्हें फड़ लिया, साड़ी पार्टी वालों जिहदा भी नाम डिसाइड होगा वो असी चलांगे रल के लड़ांगे, साडे लिए लड़ाई पंजाब की है ना कि किसी कुर्सी की। देखो खट्टर साहब का बड़ा हास्य उन्होंने बयान है, इतों पता लग गया उन्होंने मानसिकता का, कहते जी अगर साडे को भी 2 लाख है, उन्होंने को 2 लाख है, साडे को 2 लाख है जी चलूगी, असं तो 20-30 हज़ार हर रोज लाने, केजरीवाल कहते दिन रात लग जाता टीके तो उन्हें मुका ली कहते छेती कमाल है, मतलब साडे लिए वैक्सीन बचाना जरूरी है या जान बचाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली च, केजरीवाल साहब ने यह गल कही है कि साडे लिए लोगों की जान बचाना जरूरी है जिनी छेती हो सके, ना कि टीके जिन्हें घट लाओ ताकि 5-7 दिन अपनी वैक्सीन चलती रहे, इवेंट बनता रहे कि हरियाणे लग रहे हैं टीके,
ये उन्हां दी मानसिकता दसदी है कि वह किन्ने क जिहड़े ने सीरीयस ने इस कोरोना प्रति। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ, ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਓ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੋਣ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲੱਥ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੌੜ ਤੋਂ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਤੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ,
पिंड अज भी है मशहूर के सप्प के कट्टे का इलाज कोई होर मणका ला के जो कर लेंगे ने पर यह थोड़ी क्या अंग्रेजा ने जमाने की कोई चीज़ हैगी है तो उन्होंने भंग कर दो फिर सारिया रेलवे लाइन तोड़ दिए तो सारिया नहर भननिया पैणगियां सारे नहर के पुल सारे अंग्रेजा के जमाने ने ठीक है ना सो इस करके राष्ट्रपति भवन अंग्रेजा के जमाने का तो की तुम अंग्रेजा के जमाने का तोड़ोगे सो य इदा दल नहीं कर चाहिए जे साडे जमाने के कोई नवा बनाने की बजाय दूजे की निंदा करो एक प्रोडक्ट की तारीफ कर लो आप प्रोडक्ट की दूजे की निंदा नहीं करनी चाहिए चर्चा भी आई थी कि आदेश प्रताप कैरो होनी जो है उन्होंने भी दिल्ली के सीनियर आगुआ के मुलाकात की है चंडीगढ़ तंग होके उन्होंने काम कार तो तंग होके आ रहे ने वेलकम है और पंजाब की सेवा लिए आ रहे ने कोई बिना शर्त आ रहे ने पार्टी काम करने तैयार ने कांग्रेस भी आ रहे साढ़े ना अजे हाईकमान पंजाब हजे तक कोई किसी का संपर्क नहीं है जो भी होया तो अभी तो सामने आके गल करा अभी तो कोई नहीं उदो भी टच के बस हाल चाल लैवल से फॉरमैलिटी से पर इस तरह उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली अकाली दल टकसाली उन्होंने अपनी पार्टी उन्होंने अपने पास अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़े ना बल्कि सिद्धू जी ने भी कहता कि साबित करो कि मैं कितने मिला हूं तो इदा दी गल्लां तां शायद ध्यान भड़काउण नूं गल्लां करदे हुंदे एक अद्धा झूठ बोलो मुख्यमंत्री का मतलब ही इतने झूठ बनाता उन्होंने की झूठ बोले चीकू तो सीता फल तो बिना सारा कुछ झूठ ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।